दमाई मचाने की दिशा बात बोली बाबा साहब। बहुजन समाज से आने वाली एक बेटी ने जो महाराष्ट्र के अंदर में नहीं तो भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर में रोशन कर दिया है। बाबा साहब ने भारत के अंदर में जातिवाद का बहुत सारा सामना किया है, उन्हें समय समय पर अपमानित किया गया और बाबा साहब ने विदेशों के अंदर अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। विदेशों के अंदर में भी अगर जातिवाद होता तो बाबा साहब विदेशों के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तो मैं आपको वो कारण बताना चाहूंगा कि वो क्या कारण है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। अब देखो ये इधर मोहित, इधर राहुल बैठा हुआ है तो और मोहित के साथ में कुछ तो भी हुआ है वहाँ आपको थोड़े देर में बताता हूँ, ठीक है। हाँ, और इधर में बैठा है राहुल और इसके पैर में ये बैंडेज लगा हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले ये सीढ़ी से गिर गया था और उसके बाद में बता इधर सीढ़ी से गिर गया था और उसके बाद इसका जो हड्डी है वो थोड़ा सा पैर का प्रॉपर तरीके से जुड़ा नहीं है तो उसके लिए अभी ये बैंडेज लगाया गया है जिसके कारण सही से हो जाए तो ठीक हो जाएगा क्या अभी। हाँ, अभी ठीक से चलने का, अच्छे से ऐसा मस्ती नहीं करने का, नहीं तो फिर अभी अच्छे ज़्यादा अगर बड़ी हड्डी टूट गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अभी मोहित ने क्या किया है वो आपको मैं बताता हूँ। इसने आप देखोगे आग दिखा, ये देखो ये यहाँ पर इसके अगरबत्ती लगी है, ये दरवाज़ा है यहाँ पर अगरबत्ती लगती है और ये चेक करने के लिए गया कि अगरबत्ती कितनी जली है और जैसे ये झुका तो इसके आँख में ये लग गई, बच गया है। इसके आँख पर, इसके आँख के अंदर अगरबत्ती चली जाती, बच गया है ना सब बदमाशी नहीं करने का। फिर वो हुआ अगले दिन, इसने क्या किया अगले दिन, ये हमारे जो साइकिल है साइकिल से गिर गया तो इधर ये पैर में चोट लग गई तो इसका कंटिन्यू बदमाशी चालू, ऐसा मत कर ठीक है। हाँ, बदमाशी करता रहता है। अभी मोहित को आप लोग कमेंट बॉक्स में समझाओ कि बदमाशी ना करे और पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। हाँ, विदेशों के अंदर में अगर जातिवाद होता है तो बाबा साहब जो एजुकेशन ले पाए शायद वो एजुकेशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुजन समाज भी विदेशों के अंदर में एजुकेशन लेने के लिए अभी तैयार होते जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ बहुजन समाज से आने वाली एक बेटी ने जो महाराष्ट्र के अंदर में नहीं तो भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर में रोशन कर दिया है। वो किस कारण है, सिर्फ और सिर्फ उम्र में वो 14 साल से है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से आते हैं और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिनका नाम है दीक्षा शिंदे। और इन्होंने क्या किया है तो इन्होंने ब्लैक होल और गॉड के ऊपर में लगातार 3 महीने रिसर्च की और उसके बाद में उसके आर्टिकल्स लिखे और वो आर्टिकल्स नासा को भेजे और नासा ने उनके उस आर्टिकल्स को एक्सेप्ट किया और MSI के अंदर में उन्होंने फेलोशिप करने के लिए उनको सिलेक्ट किया है और अभी उनको ऑफिशियल तरीके से जो नासा की वेबसाइट है वहां पर वो आर्टिकल्स लिखेंगे और उनके आर्टिकल्स वहां पर हमको नजर में आएंगे। तो बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुजन समाज के लिए गर्व करने वाली खबर है। दीक्षा शिंदे, इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और ग्रेट। आप देख रहे हैं इन्होंने ANI पे बाइट दी है और इनका ही नाम है दीक्षा शिंदे। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं डेली रूटीन की चीजें लेने के लिए और कल का दिन जो है वो राखी का दिन होने वाला है तो काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि हम राखी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं। डेली रूटीन की जो भी चीजें लगती है उसके लिए हम जा रहे हैं। एक जैबी मूवी आने वाली जो एक एनिमेटेड मूवी है और उसके ऊपर में भी हम रिएक्शन देने वाले हैं तो किस तरीके से क्या रिएक्शन होते हैं अभी देख। बाबा साहब पर भी एक एनिमेटेड मूवी आ रही है जिसके ऊपर में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं कि सही में वो मूवी कितनी ज़्यादा ताकतवर होने वाली है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेगी। तो मैं अभी आप शुरू करता हूँ और उस पर हम रिएक्शन देते हैं। और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। तू सिर्फ तटिया छूता भीमराव अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या बाबा साहब बड़ौदा नरेश के हो क्या सयाजीराव गायक रियासत का सेना सचिव हो निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है मुखना है और 500 महाशूरवीरों की आज्ञा है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारे ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से सीटों और नौकरियों में रिजर्वेशन। ये आज के तारीख में यानी रिलेवेंट है। हाँ, आज के तारीख में कि हमको ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से लड़ना है।
आगे का भी देखते हैं। वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाति की स्त्रियां रहती हैं। क्या बात है, बाबा सब तो के बोले। तुम छोटा सा जीव राम मंदिर भगत सिंह और उनके साथियों की जान ले, हम ऐसा संविधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा। गांधी जी आपने मुझे बुलाया है। ज्यादती आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। गांधी जी का आने वाले पूना पैक का है, पूना पैक तो बहुजन की अधिकारों को रोकने मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे राष्ट्र भाषा तो संविधान संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था उसकी भी हत्या कर दी गई। आपको तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक समाज की रचना बदल नहीं जाती। गलत आस्था ने ही आज तक दलितों की शक्ति को पानी में बहाया है। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में बोली बाबा साहब चला जाता। तो मूवी का ट्रेलर हमने अभी देखा, इतना शानदार ट्रेलर था। बाबा साहब के एक एक कोटेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि रोंगटे तक के खड़े होने वाले अगर डायलॉग है। और ज़रूर हम इस मूवी का इंतज़ार करने वाले, और साथ ही साथ कई कई मोमेंट ऐसे भी रहने वाले जहाँ पर हमको रोना भी आने वाला है। तो आपने भी देखा, आपको कैसा लगा भाव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मूवी का ट्रेलर जो है बहुत अच्छा है। जय भीम मूवी जो 22 अक्टूबर 2021 को आने वाली है, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जरूर देखें। और एनिमेटेड मूवी है तो बच्चों को भी हम दिखा सकते हैं, यानी कोटेशन जो है वो बहुत यानी इंस्पिरेशन वाले हैं, है ना। जो पहला डायलॉग, पहला जो कोटेशन है बाबा साहब अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर ने बोले कि हमको ब्राह्मणों से नहीं तो ब्राह्मणवाद से लड़ना है ना। बहुत अभी के तारीख में बहुत रिलेवेंट है। दूसरा बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है लास्ट में कि मैं अगर बदला लेने का चाहता तो मैं दबाही मचा सकता था। सबसे आखिरी वाला जो इस तो नानक चंद रत्थू को जो बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट आज के तारीख। बाबा साहब के साथ जो अन्याय अत्याचार हुए, अगर बाबा साहब उसके ही अगर उसी का ही बदला लेते तो उनमें बाकी अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों में और बाबा साहब में कोई फर्क नहीं होता। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी इस तरीके से अभी ब्लॉग कंटिन्यू रहने वाले हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आने वाले समय मिलने वाला है। और एक टूर होने वाला है जहाँ पर बाबा यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ और बाबा साहब का राजगृह, तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे वो कौन सा प्लेस है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वो टूर होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय भीम जय भारत।